वही पाल जी, एक बात समझ में नहीं आई कि शालू ने अपने दोस्त अपने साथी का कत्ल क्यों करवाया, और कत्ल के बाद उसने ना सिर्फ अपने आप को कानून के हवाले करवाया बल्कि वो धारदार हथियार, वो चाकू जिसके साथ कत्ल हुआ था, उसको भी बरामद करवाया। भाई पाल जी, आप जितना केस आसान समझ रहे हो ना, उतना है नहीं। हमें मौकाए वारदात पे जाके पता करना चाहिए कि आखिर माजरा है क्या, वही जाकर कुछ पता चलेगा। चलिए आइए चलते हैं जहां कत्ल हुआ था। अगर किसी ने भी कोई सा रूप मिटाने की कोशिश करी होगी तो गलती तो जरूर करी होगी, जिससे हमें केस का सुराग मिल जाएगा। चलिए आइए चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज राजेश वशिष्ठ, माय प्रोफाइल्स आर थैंक यू।